In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine at home. I'm your maths teacher, Hibsa Batul. Today's your fourth lecture. Class first year, date 1st December. Okay, ji, let's start. Lecture number 4, chapter number 11, trigonometric function and their graph. Topic: period of trigonometric function. Exercise 11.1. Okay जी, आज का लेक्चर हमारा क्या है? पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 11. इसकी दो एक्सरसाइजेज हैं, 11.1 एंड 11.2. ठीक है, अब 11.2 में सारे ग्राफ्स हैं. अब हमने सबसे पहले पीरियड, जो कि बेसिक हमारे पास इसका जो टॉपिक है वो क्या है? पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा. क्लियर? अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर इसके अलावा हमने दो थ्योरम्स प्रूव करने हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे. क्लियर? और इसके अलावा हमने करने दो थ्योरम्स और डेफिनेशन ऑफ पीरियड फंक्शन. डेफिनेशन पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? इफ पी, इफ कैपिटल पी इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर, देन सच डेट एफ ऑफ एफ इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियड फंक्शन एंड पी इज कॉल्ड पीरियड. अब कहते हैं कि हमारे पास पीरियड होता क्या है, यानी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और उसके अंदर अगर हम वो नंबर ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड कर दें, प्लस कर दें, और अगेन हमारे पास वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड पीरियड फंक्शन. वो फंक्शन क्या होगा? पीरियड फंक्शन होगा. और पी क्या होगा? जो वो नंबर होगा उसे बोलते हैं पीरियड. क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं. क्लियर? अब यहां पे मैंने आपको नीचे लास्ट में जो एक टेबल नजर आ रहा होगा, फंक्शंस है और उसके पीरियड लिखे हुए हैं. साइन थीटा का, जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि साइन थीटा का पीरियड क्या होता है? 2π होता है. कॉस थीटा का क्या होता है? 2π होता है. कोसिकेंट थीटा का क्या होता है? 2π होता है. सिकेंट थीटा का भी 2π होता है. टेन थीटा का पाई होता है और कोटेंजेंट थीटा का भी पाई होता है. क्लियर? अगर हमने, यानी मींस के मैंने आपको यहाँ पे याद करवाने के लिए ये भी करवा दिए हैं, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है? ओके जी, मींस के अगर साइन थीटा का फंक्शन आपके पास गिवन है और अगर उसमें आपने 2π यानी एक पीरियड 2π पुट किया और अगेन आपके पास साइन थीटा आया, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 2π इज अ पीरियड एंड साइन थीटा इज अ पीरियड फंक्शन. अगर कॉस थीटा में आपने 2π पुट किया और आपके पास अगेन कॉस थीटा आया, तो देन वी से दैट 2π इज अ पीरियड एंड कॉस थीटा इज अ फंक्शन, पीरियड फंक्शन. ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया. आगे चल के इसी से रिलेटेड थ्योरम प्रूफ करते हैं. हमें ये बताया होगा कि प्रूफ दैट 2π इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा. ठीक है, आगे इन्हीं से रिलेटेड प्रूफ हम करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अगेन मैं डेफिनेशन बता रही हूँ. ऊपर डेफिनेशन क्या है कि हम अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पीरियड पुट करते हैं, ऐड करते हैं, सॉरी पीरियड ऐड करते हैं और अगेन हमारे पास वही फंक्शन आ जाए, तो देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियड फंक्शन एंड पी इज कॉल्ड पीरियड. थ्योरम 11.1, प्रूव दैट साइन थीटा इज अ पीरियड फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2π. अब हमने प्रूफ करना है. क्लियर? हमने क्या प्रूफ करना है? अब हम इस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? सपोज दैट पी इज, यानी साइन थीटा का पीरियड क्या है? 2π है. इट्स मीन अगर साइन थीटा में हम 2π ऐड करते हैं तो हमारे पास अगेन साइन थीटा आना चाहिए. तो हम उसके प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन पे जाएंगे. सपोज हमने कह दिया कि पी है 2π, तो हमने प्रूफ करना है ना. तो पी हमने क्या कर लिया? एक पी ले लिया कि एक पीरियड है ऑफ साइन थीटा 2π, तो हम लास्ट में लेकर आएंगे उसको प्रूफ करने के लिए. तो हमने पी कह दिया, देन बाय डेफिनेशन क्या थी जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बताई है कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी. तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई कर दी है. देखिए, हमने इक्वेशन वन जो नजर आ रही है ये डेफिनेशन है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको इक्वेशन वन ही रहने दिया. अब हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने थीटा की जगह जीरो पुट करना होगा। क्यों जीरो पुट करना होगा? जीरो हमारे पास बेस एंगल है स्टार्ट से, ठीक है। हमने इक्वेशन जीरो पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है और साइन पी, साइन उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स जीरो किसके इक्वल होता है? जीरो के ही इक्वल होता है, क्लियर। अब हमें पता है कि साइन कहाँ कहाँ पे जीरो देता है। साइन वी नो दैट जीरो पे जीरो देता है, पाई पे जीरो देता है, फिर पाई के मल्टीपल्स पे जीरो देता है। जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि हमारे पास साइन कहाँ कहाँ जीरो देता है। वी नो दैट के जीरो पे जीरो देता है, पाई पे जीरो देता है, फिर पाई के मल्टीपल्स पे जीरो देता है, क्लियर। टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, अप टू सो ऑन। अब हमने चेकिंग करनी है, हमें तो पीरियड हमने यानी हमारे पास जीरो पुट करने से क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। अब हमने पी जीरो पाई पुट करना है, क्या करना है, पाई पुट करना है, ऐड करना है, सॉरी क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन वन में, क्योंकि हमारे पास अबव कंडीशन इक्वेशन वन है, यानी मेन जो हमारे पास क्या है, हमने इसी को ही प्रूफ करना है इक्वेशन वन में ही। तो हमने पी की जगह यानी वो पीरियड क्या कर दिया, पाई पुट कर दिया। अब देखें पाई पुट किया तो हमारे पास ये एक अलाइड एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक अलाइड एंगल बन रहा है, यानी हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है, 180 है। इसको हम मल्टीपल इंटीग्रल 90 में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो अब देखें हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 90 आ गया, यानी हमारे पास 290s हैं। कितने 90s हैं, 290। अगर आप एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करें, इससे रिलेटेड हमने पीछे सारे लेक्चर्स में डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं एलाइड एंगल के बारे में। साइन 290, 2 देखें हमारे पास कितने 90s हैं, कितने 90s हैं, 290s हैं। क्वाड्रेंट पे ड्रॉ करें तो 1 290। आगे एंगल हमारे पास थीटा प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो प्लस के अकॉर्डिंग हम अगर जहां पे 290 आ रहा है, हमने स्टार्ट से लेना है 1 290, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो साइन माइनस साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन थीटा आ गया। तो इट्स मीन हमारे पास पाई जो है वो पीरियड नहीं है साइन थीटा का। नाउ अब हमने जो सेकंड वाला पुट करना है, जो पीरियड जायद है, यानी साइन के कौन कौन से पीरियड, यानी एक जीरो पे जीरो दे रहा था, टू पाई पे भी जीरो, टू पाई पे भी जीरो, अब हमने टू पाई पुट करना है इक्वेशन वन में। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, अगेन हमारे पास एलाइड एंगल बन रहा है, एलाइड एंगल में हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 90s में कन्वर्ट कर दिया, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दिया। एलाइड एंगल के थ्रू हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ गया। दैट्स मीन हमारे पास देखे दोनों फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, क्लियर। ये हमारे पास थ्योरम प्रूफ हो चुका है कि 2π इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा हमारे पास क्या है, पीरियड फंक्शन है, किस पे, 2π पे। अब हमने क्या करना है, ये हमने एक थ्योरम प्रूफ कर दिया जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को टेबल लिखवाया है फर्स्ट स्लाइड पे, टेबल में मैंने आपको डिटेल में करवा दिया कि साइन थीटा का क्या है, 2π है, वो हमने थ्योरम भी प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूफ 2π इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा। थ्योरम 11.2, प्रूव दैट टेन थीटा इज द पीरियड फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैसे तो हमारे पास यहाँ पे 6 थ्योरम्स बनते हैं कि जो मैंने स्टार्ट में आपको टेबल बताया है, कौन सा टेबल बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन कोस टेन कोटेंजेंट सीकेंट एंड कोसीकेंट, फर्स्ट स्लाइड पे जो मैंने आपको डिटेल में एक टेबल लिखवाया हुआ है उसके पीरियड्स भी लिखवाए हुए हैं। वो पीरियड्स मैंने किसके थ्रू प्रूफ किए हैं, वो जो हमने पीरियड्स प्रूफ किए हैं वो थ्योरम के थ्रू प्रूफ किए हुए हैं, लेकिन आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जस्ट साइन को और टेन को प्रूफ करना है, क्लियर। अब हमने क्या प्रूफ करना है, पीछे वाले में हमने 2π प्रूफ किया है, अब यहाँ पे हमने 10 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 10 प्रूफ करना है, यानी अगर हम 10 थीटा, यानी फंक्शन हमें 10 थीटा गिवन है, अगर हम उसके अंदर क्या ऐड कर दें, पाई ऐड कर दें और अगेन 10 थीटा आ जाए, तो दैट्स मीन कि हमारे पास 10 थीटा क्या होगा, पीरियड फंक्शन होगा और उसका एंड इट्स पीरियड यानी उसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, सपोज पी इज द पीरियड ऑफ 10 थीटा, हमने पाई तो प्रूफ करना है, हमने कह दिया कि पी क्या है, एक पीरियड है 10 थीटा का। तो हमारे पास डेफिनेशन जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन इधर एफ ऑफ एक्स क्या है, 10 थीटा है, तो 10 थीटा प्लस पी इक्वल टू 10 थीटा, ये तो मैंने डेफिनेशन अप्लाई कर ली। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, थीटा की जगह जीरो पुट करना है, सबसे पहले हमने थीटा को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, बेस एंगल यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है, जीरो अबव कंडीशन,
जीरो पुट कर दिया अबव कंडीशन में, तो हमारे पास कुछ यूं सिचुएशन बनी। यहाँ पे टेन थीटा जीरो जीरो के इक्वल होता है, टेन उस साइड पे जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर हमारे पास टेन इनवर्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स जीरो जीरो के इक्वल होता है। अब टेन कहाँ कहाँ जीरो देता है, वी नो दैट के टेन जीरो पे जीरो देता है, पाई पे जीरो देता है, जीरो पे जीरो, पाई पे जीरो, टू पाई पे जीरो, थ्री पाई पे जीरो, यानी मल्टीपल्स ऑफ पाई पे जीरो देता है। ठीक है, समझ आ गई है। अब हमने चेकिंग करनी है, तो जीरो तो हमने पुट कर दिया, अब पाई पुट करेंगे, चेकिंग पाई करेंगे, यानी इक्वेशन वन में पी की जगह हमने पाई पुट करना है। पाई पाई पुट कर दिया हमने, तो कुछ ये बना। अब अगेन हमारे पास क्या बन रहा, अगेन हमारे पास एलाइड एंगल बन रहा है। ठीक है, एलाइड एंगल हम सबसे पहले इसको 90 में कन्वर्ट करेंगे, पहले पाई की वैल्यू 180 है, 180 से हम कहां पे जाएंगे, 90 पे, इस पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90। तो ये अगेन हमारे पास एलाइड एंगल है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बार बार इस चीज को बताया था। अब 2 हमारे पास क्या है, इवन है, मल्टीपल ऑफ 90, देखें मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 90 यानी 2 है, 2 हमारे पास क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो 10 ही रहेगा। अगर इसकी जगह कोई ऑड नंबर आता तो 10 अपने को रेशियो में चेंज हो जाता, 10 से को 10 हो जाता। ठीक है, तो अब यहां पे मल्टीपल 90 इंटीग्रल क्या है, 90 का इंटीग्रल जो है वो इवन है, तो हमारे पास 10 थीटा ही रहेगा। आगे हमारे पास जो थीटा है वो एडिशन में है, किसमें है, एडिशन में है, तो हमारे पास कौन से वाले क्वाड्रेंट में आ रहे, फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, 10 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा आ जाएगा। क्लियर, जो लेफ्ट साइड थी वहां पे मैंने एलाइड एंगल की डेफिनेशन अप्लाई की, तो यानी देखे पाई हमने पुट किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, एड किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर, अब यहाँ पे हमने मजीद और हमने कुछ नहीं पुट करना। अगर यहाँ पे 10 में हमने 2 पाई भी पुट किया तो हमें फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देगा, जैसे कि मैंने आपको जूम क्लास में डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर हमने इस, अब अगेन चेकिंग के लिए अगर आप लोग 2 भी पुट करोगे, 2 पाई भी पुट करोगे, तो आपको फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल यानी 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा ही आएगा, लेकिन सिर्फ हम डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, साइन कॉस कोसेकेंट एंड सेकेंट। ठीक है, वो सिर्फ पाई पे ही, 2 पाई पे ही क्या देते हैं हमारे पास इक्वल, अगर हम उसके अंदर 2 पाई ऐड करते तो हमारे पास वही वाला फंक्शन आ जाता है, यानी साइन थीटा है तो इक्वल टू साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा है अगर उसके अंदर हम 2 पाई पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा ही आएगा, इसी तरीके कोसेकेंट थीटा है अगर उसके अंदर हम 2 पाई पुट करेंगे तो कोसेकेंट थीटा ही आएगा, अगर सेकेंट थीटा है अगर उसके अंदर हम 2 पाई पुट करेंगे तो अगेन हमारे पास सेकेंट थीटा ही आएगा। क्लियर, लेकिन अगर कोटेंजेंट, और अभी जो मैंने चार फंक्शन बताए हैं साइन कॉस सीकेंट एंड कोसेकेंट, अगर हम उसके अंदर पाई ऐड करेंगे तो वो हमें फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं देगा, हमें फंक्शन नहीं देगा, लेकिन टेन और कोटेंजेंट अगर हम इसके अंदर पाई भी ऐड करें और 2 पाई भी ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। इसीलिए हम जस्ट डिफरेंस के लिए करते हैं कि हमारे पास जो मैंने स्टार्ट में टेबल बताया है कि साइन कॉस सीकेंट और कोसेकेंट वो 2 पाई पे देते हैं और कोटेंजेंट और टेंजेंट हमें पाई पे देते हैं, हालांकि कोटेंजेंट और टेंजेंट भी हमें 2 पाई पे भी देते हैं, लेकिन जस्ट डिफरेंस के लिए हमने कहा कि ये पाई पे देते हैं। क्लियर, समझ आ गई है। हैंस प्रूफ्ड पाई इज द पीरियड ऑफ 10 थीटा, बस आगे हमने और चेकिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, साइन थ्री एक्स का क्या फाइंड करना है, इसका पीरियड फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सिंस पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2x 2 पाई, हमें पता है कि साइन का क्या होता है, 2 पाई होता है, तो हमने 2 पाई क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने अप्लाई कर दी sin 3x = sin 3x + 2 पाई। क्लियर, अब हम आप लोग जरा फर्स्ट लाइन में जाएं, जो मैंने आपको डेफिनेशन 2 लाइंस में बताई थी, जरा उसको ऑब्जर्व करें कि हमारे पास एक्स के साथ जो नंबर होता है वो 1 होता है, एक्स के साथ जो नंबर होता है वो 1 होता है, लेकिन इधर एक्स के साथ जो है वो 3 है,
हमने तो प्रॉपर डेफिनेशन अप्लाई करनी है, तो हमने क्या कर दिया, थ्री को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, क्या कर दिया, लेफ्ट साइड पे देखें, लास्ट स्टेप में थ्री को मैंने कॉमन क्यों किया, आप जरा फर्स्ट स्लाइड पे जाएं, वहां पे डेफिनेशन देखें, एक्स के साथ जो नंबर है, एक्स के साथ जो क्या है, नंबर है, वो क्या है, इसके एक्स के साथ जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में नंबर है वो वन है, यहाँ पे थ्री, तो हमने थ्री को क्या कर दिया, कॉमन करते, तो हमारे पास टू पाई बाय थ्री रह जाएगा, अगेन अगर आप थ्री को मल्टीप्लाई करते तो वही थ्री एक्स और टू पाई रह जाता है, तो हमारे पास जो पाई के पाई वाला वाई पाई वाली टर्म होगी वही पीरियड होगी, बस ठीक है, समझ आ गई है, हमारे पास देखें अब एग्जैक्ट वो डेफिनेशन अप्लाई हो चुकी है, तो साइन थ्री एक्स का हेंस पीरियड ऑफ साइन थ्री एक्स इज टू पाई बाय थ्री आ गया, क्लियर। कोटेंजेंट का फाइंड करना है, कोटेंजेंट एक्स बाय टू, प्रॉपर डेफिनेशन है कि हमने कहा कि साइन पीरियड सेंस पीरियड ऑफ कोटेंजेंट एक्स इज पाई, देयरफॉर हमने क्या अप्लाई कर दी, अब हमें पता है कि कोटेंजेंट का क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एक्स का पाई होता है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स बाय टू है, तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया पाई को, अब एक्स के साथ एक्स हमारे पास क्या होता है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो जस्ट एक्स होता है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कोई वो नहीं होता, तो हमने क्या कर दिया, टू को बाहर कर दिया, तो यहाँ पे टू डिवीजन में है, तो आप इस तरह करो कि पहले एलसीएम ले लो, ठीक है, यहाँ पे देखें x बाय टू प्लस पाई है, सेकंड लास्ट स्टेप में देखें, पहले आप चाहते हो तो एलसीएम ले लें और फिर टू को कॉमन कर दें, ठीक है, बाहर कर दें, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगेन वन बाय टू को मल्टीप्लाई कर दो तो x बाय टू हो जाएगा और टू टू के साथ कैंसिल होकर जस्ट पाई रह जाएगा, अब देखें x प्रॉपर डेफिनेशन अप्लाई हो चुकी है, तो हमारे पास क्या है, हेंस पीरियड ऑफ कोटेंजेंट x बाय टू इज टू पाई, क्लियर। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 9, 11, 12, 15 होमवर्क है, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, टॉपिक पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सरसाइज 11.1। ओके जी, आज का लेक्चर हमारा क्या है, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 11, इसकी दो एक्सरसाइजेज हैं, 11.1 एंड 11.2, ठीक है, अब 11.2 में सारे ग्राफ्स हैं, अब हमने सबसे पहले पीरियड जो कि बेसिक हमारे पास इसका जो टॉपिक है वो क्या है, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, टेन थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, क्लियर। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर इसके अलावा हमने दो थ्योरम्स प्रूव करने हैं।